दोस्तों आज की वीडियो में हम 15 नवंबर के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दिवाली पर दो तीन दिन की वीडियो मैं नहीं डाल पाया था 14 और 15 नवंबर की, तो 14 नवंबर की मैंने ऑलरेडी डाल दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। और 15 नवंबर के आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, और इसके कुछ देर बाद मैं 16 नवंबर की भी डाल दूंगा, तो उसे भी देख लीजिए, क्योंकि ग्राम सचिव का एग्ज़ाम्स आ रहा है तो करंट अफेयर उसके अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाने वाले हैं। तो चलिए 15 नवंबर के जो करंट अफेयर हैं वो हम दोहरा लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे करंट अफेयर्स को पीडीएफ के रूप में दोहराना चाहते हैं तो एक महीने की पीडीएफ आपको 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपको डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम आपको पीडीएफ व्हाट्सएप के द्वारा ही सेंड कर देंगे। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो पर। तो पहला प्रश्न है, हरियाणा में आज से सर्दी का आगमन हो रहा है, हरियाणा में 120 साल में ये कौन सा ला नीना वर्ष है? तो ये ला नीना वर्ष है 40वां, और ये ला नीना क्या होता है ये भी हम आगे समझेंगे। इस बार कड़ाके की ठंड झेलने के लिए तैयार रहें, क्योंकि 20 दिसंबर से 20 जनवरी 2021 तक मौसम पर ला नीना का असर रहेगा। ला नीना के दौरान सर्दियों में तापमान सामान्य से कम रहता है, इसलिए इस साल अक्टूबर में ही तापमान गिर रहा है। अनुमान है कि इस बार सर्दी बीती सर्दी के सबसे ठंडे 10 सालों में शामिल हो सकती है। शनिवार को पाकिस्तान की ओर से दिवाली पर साल का पहला मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आएगा। आईएमडी पुणे के क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विस हेड डॉक्टर डीएस पई के अनुसार आईएमडी रिकॉर्ड 1901 से दर्ज हो रहा है। इसके मुताबिक बीते 120 साल में इस साल से पहले 39 बार ला नीना रहा है, इस दौरान सर्दी ज़्यादा रही है। ला नीना के ट्रेंड को देखकर लगता है कि इस साल फरवरी तक तापमान सामान्य से कम रहेगा। हरियाणा पंजाब में ज़्यादा ठंड पड़ने का अनुमान है, साथ ही घना कोहरा भी छाया रहेगा। तो ला नीना क्या होता है और मौसम में कैसे बदलाव होते हैं ये हम समझ लेते हैं। ला नीना इफेक्ट के समय हवा प्रशांत महासागर के गर्म सतही पानी को दक्षिण अमेरिका के इंडोनेशिया तक ले जाती है। गर्म पानी आगे बढ़ने से ठंडा पानी सतह पर आ जाता है और पूर्वी प्रशांत में पानी ठंडा हो जाता है। ला नीना वाले साल में हवा तेज चलती है और भूमध्य रेखा के पास पानी सामान्य से ठंडा हो जाता है, इसलिए भारत में भी रुक रुक कर शीत लहर चलेंगी। वीडियो पर आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप IBPS की तैयारी कर रहे हैं तो IBPS एग्जाम्स में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, अपनी तैयारी को टेस्ट के साथ बेहतर करें। अन अकेडमी लेकर आया है एकोलेट्स, एक फ्री टेस्ट सीरीज जो हर महीने की 18 तारीख को होगा। हर महीने एक डिफरेंट टारगेट एग्ज़ाम के साथ इस बार IBPS PO मेंस पर बेस्ड है ये फ्री टेस्ट। यही नहीं, इसमें कवर होंगे इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग्स, बिल्कुल फुल लेंथ टेस्ट की तरह। अटेम्प्ट करने पर आपको मिलेंगी परफॉर्मेंस रिपोर्ट और टॉप 5 रैंकर्स को मिलेंगे अमेजन गिफ्ट वाउचर्स, जो कि 5,000, 4,000, 3,000, 2,000 और 1,000 के रुपए में दिए जाएंगे। एकोलेट टेस्ट बिल्कुल फ्री है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर एनरोल करें और अटेम्प्ट करें एकोलेट्स 18 नवंबर को, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो अगला प्रश्न है, हरियाणा आवास बोर्ड ने हाल ही में निर्णय लिया है कि नवंबर को प्रदेश के मुख्य शहरों में फ्लैटों की ई नीलामी होगी। कितने फ्लैटों की ई नीलामी यहाँ पर की जाएगी? तो ये की जाएगी 589 फ्लैटों की ई नीलामी। हरियाणा आवास बोर्ड ने 18 नवंबर को पंचकुला, हिसार, गुरुग्राम व फरीदाबाद में 589 फ्लैटों की ई नीलामी करने का फैसला लिया है। इनके बाद 7,312 फ्लैटों की EWS BPL श्रेणी के लोगों के लिए व 84 व्यावसायिक संपत्तियों की भी ई नीलामी की जाएगी। बोर्ड के मुख्य प्रशासक संज सिंह ने बताया है कि राज्य सरकार प्रदेश में रहने वाले सभी जरूरतमंद लोगों के घर के सपने को साकार करने के लिए प्रयासरत है। इसी दिशा में कदम उठाते हुए बोर्ड के द्वारा अंबाला, हिसार, फरीदाबाद, पंचकुला, सिरसा, सोनीपत, गुरुग्राम, बहादुरगढ़, नंगले, सोठियाँ, मतलोड़ा, भिवानी, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक, झज्जर और कैथल और रेवाड़ी, धारूहेड़ा में हरियाणा आवास बोर्ड द्वारा बनाए गए फ्लैटों की ई नीलामी की जाएगी। इसके बाद है, हरियाणा में 6 माह में 280 की कोरोना से मौत हुई है, जिनमें 41 से 80 उम्र के 30% को मधुमेह था
विश्व मधुमेह दिवस कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 14 नवंबर को। मधुमेह किस वजह से होता है, क्यों होता है, ये भी हम जान लेते हैं। जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इस स्थिति को डायबिटीज कहा जाता है। यह इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पाचन से बनता है। यह हमारे शरीर में खाने को ऊर्जा में बदलता है। इसके बाद है, लुआस के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंडे की जर्दी से निकाले जाने वाले लो डेंसिटी लिपोट्रोप प्रोटीन्स की पहचान की है। अब इससे भैंस के गर्भवती होने का स्तर भी बढ़ेगा। तो यह खोज किसके द्वारा की गई है? तो यह खोज की गई है वैज्ञानिक डॉक्टर जसमेर दलाल के द्वारा। तो यहाँ पर फोटो में भी आप इन्हें देख सकते हैं। अंडे की जर्दी की अपेक्षा उससे निकलने वाला लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स अधिक गुणवत्तापूर्ण है। लुआस के वैज्ञानिक की रिसर्च में यह खुलासा हुआ है। इससे भैंस की गर्भवती होने का स्तर भी बढ़ेगा, जिससे किसान की भी आमदनी होगी, क्योंकि कई बार गर्भवती नहीं होने के कारण किसानों को चारा आदि के रूप में काफ़ी रुपए भी खर्च करने पड़ जाते हैं। लुआस के वैज्ञानिक डॉक्टर जसमेर दलाल का PhD शोध एक सम्मानित इंटरनेशनल जर्नल मोलिकुलर रिप्रोडक्शंस एंड डिवेलपमेंट्स में प्रकाशित हुआ है। लुआ से मादा पशु एवं प्रसूति विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर R.K. चंदोलिया डॉक्टर जसमेर दलाल के प्रमुख सलाहकार भी रहे हैं। डॉक्टर दलाल ने ये शोध केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार की सीमन फ्रीजिंग प्रयोगशाला में वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप कुमार के मार्गदर्शन में किया है। डॉक्टर जसमेर ने बताया है कि आमतौर पर अंडे की जर्दी सीमन क्रायोप्रिजर्वेशंस करने वाले द्रवण का एक महत्वपूर्ण घटक होता है, जो भैंस के शुक्राणु को क्रायोप्रिजर्वेशंस के दौरान निष्क्रिय होने से बचाता है। अंडे की जर्दी में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स इसका सक्रिय घटक है, जो भैंस के शुक्राणु को क्रायोप्रिजर्वेशंस के दौरान निष्क्रिय होने से बचाता है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के अलावा बाकी पदार्थ भैंस के शुक्राणु को नुकसान पहुंचाते हैं। हरियाणा भाजपा के प्रभारी के पद से डॉक्टर अनिल जैन की जगह कौन भाजपा के प्रभारी होंगे? तो ये होंगे विनोद तावड़े। तो यहाँ पर आप फोटो में भी इन्हें देख सकते हैं। हरियाणा भाजपा के प्रभारी के पद से डॉक्टर अनिल जैन की छुट्टी हो गई है। अब महाराष्ट्र के विनोद तावड़े हरियाणा भाजपा के प्रभारी होंगे। साथ ही झारखंड की भाजपा नेता शकुंतला देवी को हरियाणा भाजपा का सह प्रभारी भी बनाया गया है। तो शकुंतला देवी को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद है, हरियाणा की मिड डे मील पकाने सहित दूसरे काम करने वाली महिलाओं की अब 50 की उम्र की जगह कितनी उम्र तक काम करने की जो आज्ञा है वो मिल गई है। इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिल सके सबसे पहले। तो इसका आंसर है 60 वर्ष की उम्र तक वो कार्य कर सकती हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील पकाने सहित दूसरे काम कर रही 50 से अधिक उम्र वाली कुक कम हेल्पर को मौलिक शिक्षा अधिकारी और स्कूल मुखिया अब निकाल नहीं सकते हैं। प्रदेश सरकार ने सभी महिला हेल्पर और कुक को 60 साल की उम्र तक काम करते रहने के निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 22 से 50 साल तक आयु की विधवाओं और अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को मिड डे मील में रखने की व्यवस्था की गई है। जिनके बच्चे संबंधित स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्पष्ट नियम नहीं होने से 50 साल की उम्र होते ही स्कूल मुखिया कुक कम हेल्पर को हटा रहे थे, अब ऐसा नहीं हो सकेगा। इसके बाद है, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के द्वारा किस विभाग के सहयोगी से प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल राखीगढ़ी पर बनाए गए विशेष आवरण को जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है भारतीय डाक विभाग के द्वारा। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इससे पहले हड़प्पा सभ्यता बस्ती स्थल के रूप में जाना जाता था। राखीगढ़ी के आकार का अनुमान 550 हेक्टेयर तक दिया गया है। तो यहाँ पर आप फोटो में भी देख सकते हैं, 2014 में रेडियो कार्बन डेटिंग्स ने बस्तियों की समय अवधि 4470 BCE बताई थी, जो कि होती है लगभग 6500 वर्ष पुरानी। तो यहाँ पर आप इनके कंकाल वगैरह देख सकते हैं। इसके बाद है, सिख साम्राज्य के प्रथम सेनापति बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने मुगलों के अत्याचारों के विरुद्ध लड़ाई हरियाणा से शुरू की थी। उनकी राजधानी लोहगढ़ किस जिले में है, जिसको सरकार के द्वारा पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की पहल की गई है? तो ये है यमुनानगर के अंदर। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर पहाड़ों के बीच बसे लोहगढ़ किला बहुत बड़ा किला था।
यह फोर्ट 7000 एकड़ में फैला हुआ था। इसे बनाने में 60 से 70 साल लग गए थे। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने 1710 में सरहिंद जीतने के बाद इस किले को लोहगढ़ को सिखों की पहली राजधानी बनाया था। इसके बाद है हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने चालू वित्त वर्ष के दौरान अक्टूबर 2020 तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 952 लाभार्थियों को कितने लाख की वित्तीय सहायता मुहैया कराई है। तो ये कराई गई है 660.43 लाख रुपए की वित्तीय सहायता, जिसमें 61.40 लाख की सब्सिडी भी शामिल है। इसमें से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के तहत 523 लाभार्थियों को डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, भेड़ पालन, सुअर पालन व झोटा मुग्गी हेतु 297.66 लाख का ऋण उपलब्ध करवाया गया है। इनमें से 271.5 लाख बैंक ऋण, 26.61 लाख सब्सिडी व 1.47 लाख मार्जिन मनी के रूप में जारी किए गए हैं। इसके बाद है शौचालय की सफाई मानकों व उनकी संख्या बढ़ाने में किन जिलों को भारतीय सरकार विश्व शौचालय दिवस पर सम्मानित करेगी। तो ये सम्मानित करेगी रेवाड़ी और भिवानी को। शौचालय की सफाई मानकों व उनकी संख्या बढ़ाने में रेवाड़ी व भिवानी ने आखिरकार सभी जिलों को मात दी है। इसके लिए भारत सरकार ने शुक्रवार को जारी एक पत्र में स्पष्ट किया है कि रेवाड़ी व भिवानी दो ऐसे जिले हैं जिन्होंने शौचालय की सफाई मानकों पर भी खरे उतरे हैं और उनकी संख्या बढ़ाने में भी उन्होंने संतोषजनक परिणाम दिए हैं। इसलिए अब दोनों जिलों को पुरस्कार दिया जाएगा। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस भी मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम अपना रिविजन टेस्ट लगा लेते हैं। हरियाणा में आज से सर्दी का आगमन हो रहा है। हरियाणा में 120 साल में से कौन सा ला नीना वर्ष है? तो ये है 40वां ला नीना वर्ष। हरियाणा आवास बोर्ड ने हाल ही में निर्णय लिया है कि नवंबर को प्रदेश के मुख्य शहरों में फ्लैटों की ई नीलामी होगी। कितने फ्लैटों की ई नीलामी की जाएगी? तो ये की जाएगी 589 फ्लैटों की ई नीलामी। हरियाणा में 6 माह में 280 की कोरोना से मौत हुई है, जिनमें 41 से 80 उम्र के 30% को मधुमेह था। विश्व मधुमेह दिवस कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 14 नवंबर को। इसके बाद है लुआस के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंडे की जर्दी से निकाले जाने वाले लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की पहचान की है। अब इससे भैंस के गर्भवती होने का स्तर भी बढ़ सकेगा। यह खोज किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है वैज्ञानिक डॉक्टर जसमेर दलाल के द्वारा। हरियाणा भाजपा के प्रभारी के पद से डॉक्टर अनिल जैन की जगह कौन भाजपा के प्रभारी होंगे? तो ये होंगे विनोद तावड़े। हरियाणा के मिड डे मील पकाने सहित दूसरे काम करने वाली महिलाओं की अब 50 की उम्र की जगह कितनी उम्र तक काम कर सकेंगी? तो ये कर सकेंगी 60 की उम्र तक। इसके बाद है पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के द्वारा किस विभाग के सहयोग से प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल राखीगढ़ी पर बनाए गए विशेष आवरण को जारी किया गया है? तो ये किया गया है भारतीय डाक विभाग के द्वारा। सिख साम्राज्य के प्रथम सेनापति बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने मुगलों के अत्याचारों के विरुद्ध लड़ाई हरियाणा से शुरू की थी। उनकी राजधानी लोहगढ़ किस जिले में है, जिसको सरकार के द्वारा पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की पहल की गई है? तो वो है यमुनानगर में। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने चालू वित्त वर्ष के दौरान अक्टूबर 2020 तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 952 लाभार्थियों को कितने लाख की वित्तीय सहायता मुहैया कराई है? तो ये करवाई है 660.43 लाख रुपए की वित्तीय सहायता। इसके बाद है शौचालय की सफाई मानकों व उनकी संख्या बढ़ाने में किन जिलों को भारत सरकार विश्व शौचालय दिवस पर सम्मानित करेगी? तो ये करेगी रेवाड़ी और भिवानी को। तो यहाँ पर हमारे जो रिविजन टेस्ट है ये भी दोस्तों खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इस वीडियो के बाद थोड़ी देर बाद आपको हमारी दूसरी वीडियो भी मिल जाएगी जो 16 नवंबर की है, तो उसे भी देखना बिल्कुल मत भूलिए। और कल सुबह 6 बजे आपको 17 नवंबर की वीडियो भी मिल जाएगी। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।